हेलो स्टूडेंट, हमारा न्यू टॉपिक है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब होता है बच्चों कोऑपरेशन। क्या होता है कोऑपरेशन? कोऑपरेशन, और इसकी अगर हिंदी मीनिंग समझे तो हिंदी मीनिंग होती है तालमेल। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन मतलब किसी दो लोगों के बीच में तालमेल बैठाना, दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। मीनिंग समझते हैं, मीनिंग क्या होती है व्हाट इज कोऑर्डिनेशन की? द प्रोसेस बाय विच मैनेजर सिंक्रोनाइज द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। समझते हैं, द प्रोसेस बाय विच मैनेजर कह रहे हैं, द प्रोसेस बाय विच मैनेजर, एक ऐसी प्रोसेस जिससे मैनेजर सिंक्रोनाइज, सिंक्रोनाइज मतलब होता है बच्चों एक ही समय में होना। क्या? एक ही समय में होना। एक ही समय में होना, तो मैनेजर वो सारी प्रोसेस परफॉर्म करता है जो एक ही समय में होती है। सारी एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट की सभी एक्टिविटीज एक ही समय में होती हैं, उसको कर पाने को उस प्रोसेस को कोऑर्डिनेशन कहते हैं। क्लियर हो गया? ऐसी प्रोसेस जो मैनेजर परफॉर्म करता है एक ही टाइम पे सभी एक्टिविटीज को, एक ऑर्गेनाइजेशन के सभी डिपार्टमेंट को, उसे कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। बच्चों एसेंस मतलब होता है ट्रू नेचर। कोऑर्डिनेशन का ट्रू नेचर क्या है? मैनेजमेंट, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। समझते हैं, फर्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। आपको पता होगा बच्चों फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मैंने आपको कराए थे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एंड कंट्रोलिंग, ये फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के। तो कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन इज नीडेड, कोऑर्डिनेशन की नीड है टू परफॉर्म ऑल दी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये सभी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हमें किस चीज की नीड है? कोऑर्डिनेशन की नीड है। किस चीज की? कोऑर्डिनेशन की नीड है। कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हो जाता है स्टूडेंट प्लानिंग के टाइम पे। जितने भी लोग प्लानिंग करेंगे उन लोगों के बीच में क्या बैठना चाहिए? तालमेल बैठना चाहिए उस प्लानिंग को। ऑर्गेनाइजिंग, जो भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डेवलप करना है एज पर द प्लान, कैसे होगा? थ्रू कोऑर्डिनेशन। कैसे? थ्रू कोऑर्डिनेशन। स्टाफिंग, किनको रिक्रूट करना है, किनको जॉब में रखना है, किनको नहीं रखना है, ये भी किस तरीके से होगा? आपस में कोऑपरेट करके, कोऑर्डिनेट करके। डायरेक्टिंग, आपने इंस्ट्रक्ट करना है वर्कर्स को, उनके साथ बैलेंस करना है, अपने आप को कोऑर्डिनेट करना है उनके साथ। कंट्रोलिंग, आपने डेफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है कि एक्चुअल और प्लान्ड परफॉर्मेंस में जो डिफरेंस है वो क्यों आ रहा है, उसको मिनिमाइज करना है, रिड्यूस करना है। इसीलिए बोला जा रहा है कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स। बच्चों यहां से समझा देता हूं, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग आते थे हमारे टॉप लेवल में, स्टाफिंग आता है मिडिल लेवल में, एंड डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आते हैं लोअर लेवल में। तो कह रहा है कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स, सभी लेवल में कोऑर्डिनेशन की नीड है, टॉप में भी, मिडिल में भी और लोअर में भी। क्लियर है? टॉप लेवल में जितने भी एम्प्लॉयज होंगे, जितने भी सीईओस होंगे, उनको भी आपस में कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। मिडिल लेवल में जो एम्प्लॉयज हैं उनको टॉप और लोअर के बीच में कोऑपरेट करना पड़ेगा। लोअर लेवल जो वर्क परफॉर्म कर रहे हैं लो लेवल में, सबसे लोएस्ट लेवल में, उनको भी कोऑपरेट करना पड़ेगा वर्क के साथ। लास्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है एक ऑर्गेनाइजेशन का। अगर बच्चों मान लीजिए दो तीन एम्प्लॉई एक जगह काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन तभी रिक्वायर्ड है जब मोर देन टू पर्सन हो या टू और मोर देन टू हो। ठीक है, अकेले पर्सन किससे कोऑपरेट करेगा, किससे तालमेल बैठाएगा? किसी, जब एक से ज्यादा लोग होंगे तभी कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है।
जब ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग करते हैं तो इसकी थिंकिंग अलग होगी, इसकी थिंकिंग अलग होगी, इसकी थिंकिंग अलग होगी, इसकी जरूरत अलग होगी, इसकी जरूरत, इन सबकी जरूरत को मेंटेन करना, बैलेंस करना ही कोऑर्डिनेशन है। तभी इम्पोर्टेंट फंक्शन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। जब अगर इन सबकी नीड्स को बैलेंस करेंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करेंगे, तभी हम मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। मार्केट में सर्वाइव करना है, प्रॉफिट अर्न करना है, कंपटीशन फेस करना है, तो हमें किस चीज की जरूरत है? कोऑर्डिनेशन की, सब लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेचर फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन, नेचर फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। फर्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। बच्चे इंटीग्रेट्स मतलब होता है जोड़ना, इंटीग्रेट्स मतलब होता है जोड़ना। देखिए अब पॉइंट पूरा समझ में आ जाएगा। कोऑर्डिनेशन जोड़ता है ग्रुप एफर्ट्स, वही पॉइंट। एक अकेला पर्सन है तो कभी कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने खुद के साथ कोऑपरेट करना है, वो तो सभी कर लेते हैं। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन में दो तीन लोग हैं तभी तो ग्रुप बनेगा, जब मोर देन वन लोग होंगे तभी ग्रुप बनेगा। इसकी नीड अलग होगी, इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी, सबका उद्देश्य अलग होगा नौकरी करने का, किसी का कोई ऑब्जेक्टिव होगा, किसी का कोई ऑब्जेक्टिव होगा। इन सब के ऑब्जेक्टिव्स को जोड़ना है, इंटीग्रेट्स करना है ग्रुप एफर्ट्स, उसी को कोऑर्डिनेशन कहते हैं। इन सबको कौन इंटीग्रेट कर पाएगा, जोड़ पाएगा? कोऑर्डिनेशन। कौन? कोऑर्डिनेशन। इसलिए बोला कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। जितने भी ग्रुप में लोग काम करते हैं उनके एफर्ट्स को जोड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। अच्छा, इतने सारे लोग तो एक काम तो कर रहे हैं, ये एफर्ट दे रहे होंगे, कोई ना कोई पर्टिकुलर काम कर रहे होंगे, तो यूनिटी मतलब होता है एक डायरेक्शन, एक वे में। तो इन सब का जो भी एफर्ट है, जो भी ये हार्डवर्क कर रहे हैं, वो सब सिर्फ कहां हो? गोल अचीव करने के लिए। जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने गोल सेट किया है उसको अचीव करने में उनका एफर्ट लगाना है। इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स कौन करता है? कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट है कंटिन्यूअस प्रोसेस। अच्छा, कोऑर्डिनेशन ऐसा नहीं है कि आपने एक बार किया तो काम खत्म, इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, बार बार करना है, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन इज ए परवेसिव फंक्शंस। बच्चों मैंने सेकंड लेक्चर में आपको दो वर्ड समझाए थे, एक समझाया था डायनेमिक एंड एक समझाया था परवेसिव। इसी वर्ड के अंदर इसकी मीनिंग सी में, डायनेमिक मतलब मैंने आपको बताया था चेंजिंग, जो चेंज होते रहते हैं। परवेसिव मतलब बताया था मैंने एवरीवेयर, एवरीवेयर। तो कोऑर्डिनेशन इज ए परवेसिव फंक्शन। कोऑर्डिनेशन एक ऐसा फंक्शन है जो हर जगह एवरीवेयर फॉलो किया जाता है, इवन हम अपने घर घर में भी फॉलो करते हैं। सभी बिजनेस में तो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में तो फॉलो होता ही होता है, इंस्टेड हम अपने घर में भी फॉलो करते हैं। कहां फॉलो करते हैं? अपने घर में भी फॉलो करते हैं। आज आपके भाई की फेवरेट डिश बनी तो आपने मम्मी से लड़ाई की, मेरी फेवरेट है, मम्मी ने कहा चलो कल आप तुम्हारी फेवरेट बना दूंगी, तो मम्मी क्या कर रही, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। बच्चों ऐसा होता है कोऑर्डिनेशन के लिए सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, जो मिडिल लेवल है उसके अंदर जितने भी मैनेजर्स हैं, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर्स, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कोऑर्डिनेट करना। अगर टॉप लेवल और लोअर लेवल में कोई प्रॉब्लम हो गई है, टॉप लेवल और लोअर लेवल में कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसको सॉल्व कौन करेगा? मिडिल लेवल। उनके बीच में कॉपरेट तालमेल कौन बैठाएगा? मिडिल लेवल। तो कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। सभी मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ऑर्गेनाइजेशन को कोऑर्डिनेट करें। लास्ट पॉइंट है कोऑर्डिनेशन इज ए डेलिब्रेट फंक्शन। मतलब डेलिब्रेट मतलब होता है इंटेंशनली, इंटेंशनली मतलब जानबूझ के किया गया हुआ। समझिए मैं इसे एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए दो वर्कर काम कर रहे हैं, दो वर्कर काम कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में कोई कंफ्यूजन हो गया है, कोई कियोस हो गया, प्रॉब्लम्स आ गई,
अब इससे कोई ना कोई तो शॉर्ट आउट करने चाहिए। अब एक पर्सन है, मे बी ये मैनेजर हो सकता है, मे बी ये सुपरवाइजर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बॉस हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कौन करेगा? ये पर्सन करेगा। कैसे सॉल्व करेगा? उन दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करेगा, जो भी उनके बीच में कंफ्यूजन या क्योज या प्रॉब्लम हुई है उसे शॉर्ट आउट करेगा। तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ये पर्सन क्या कर रहा है? उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कर रहा है, तालमेल बैठा रहा है, कॉपरेट करवा रहा है उन दूसरे एक दूसरे को। तो ये जान मूझ के कर रहा है, इंटेंशनली कर रहा है ये चीज। तो इसी दिस इज कोऑर्डिनेशन इज ए डेलिबरेट फंक्शन जो जान मूझ के किया जाता है। सो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन या नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन। इंपॉर्टेंस क्या है कोऑर्डिनेशन की, या जरूरत क्या है कोऑर्डिनेशन की? फर्स्ट पॉइंट है ग्रोथ इन साइज। इसका मतलब है बच्चों, पहले मेरा बिजनेस छोटा था, डायग्राम से समझो, पहला मेरा बिजनेस क्या था? छोटा था। तब मुझे ज्यादा कोऑर्डिनेट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तब मेरे पास मान लीजिए 10 ही वर्कर थे। कितने वर्कर थे? 10 वर्कर थे। तो इनके बीच में मैं इजीली कोऑर्डिनेट कर रहा था। फिर मेरे बिजनेस का साइज बढ़ गया। देखिए अब कितना बड़ा हो गया, अब मेरे पास अब 100 वर्कर हो गए। तो बच्चों पहले मैं 10 वर्कर्स को तो अकेले ही संभाल ले रहा था, इनके साथ कॉपरेट कर, अब 100 वर्कर हो गए, इन सब पे मैं ध्यान भी नहीं दे पा रहा हूं, ध्यान भी नहीं दे पा रहा हूं, मुझे कुछ मैनेजर रखने पड़ रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं? कोऑर्डिनेट कर रहा हूं, कॉपरेट कर रहा हूं। जैसे जैसे आपके बिजनेस का साइज बड़ा होगा आपको कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। सभी इंप्लॉइज से, वर्कर से आपने काम करवाना है, ये सब कैसे करवाओगे? थ्रू कोऑर्डिनेशन, कॉपरेशन, तालमेल बिठा के। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन मतलब बच्चों मतलब है, ये मान लीजिए है परचेज डिपार्टमेंट, ये है हमारा सेल्स डिपार्टमेंट, ये है हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये है हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये है हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो मैं इन दोनों से समझाता हूं, ये है फाइनेंस और ये है मार्केटिंग, ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। फंक्शनल डिफरेंटिएशन मतलब ये होता है बच्चों, यहां पे सभी डिपार्टमेंट सोचते हैं कि हम बेस्ट करें, हम अपने अपने, सारे मैनेजर सोचेंगे हम अपने अपने डिपार्टमेंट का बेस्ट दें, जिससे टॉप लेवल खुश हो जाए कि हाँ इस डिपार्टमेंट ने अच्छा किया। तो फाइनेंस सोचता है मैं अच्छा करूं, मार्केटिंग सोचता है मैं अच्छा करूं, सभी डिपार्टमेंट सोचते हैं क्या मैं अच्छा करूं। लेकिन बच्चों कभी भी ऐसा नहीं होता। मान लीजिए फाइनेंस के पास सफिशियंट फंड है, क्या है? सफिशियंट फंड है, उसके पास जितना पैसा होना चाहिए फंड है, कैश उसके पास पड़ा है। मार्केटिंग वाले को एडवर्टाइजमेंट करना था, क्या करना था? एडवर्टाइज करना था, शाहरुख खान को हायर करना था एडवर्टाइजमेंट के लिए, कुछ करना था, वो नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। जब एडवर्टाइजिंग नहीं हुआ होगा तो बच्चों क्या सेल हुई होगी? नहीं। सेल नहीं हुई होगी तो क्या प्रॉफिट हुआ होगा? नहीं। प्रॉफिट ही नहीं हुआ होगा तो किसी को भी फायदा होगा, या इसको, इस डिपार्टमेंट को, इस डिपार्टमेंट को, इस डिपार्टमेंट को? किसी को फायदा नहीं होगा। तो बच्चों ये सोचते तो इंडिविजुअली कि हमारा डिपार्टमेंट अच्छा करें, लेकिन जब भी, जब तक ये एक दूसरे के साथ कॉपरेट नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ क्या नहीं करेंगे? कॉपरेट नहीं करेंगे, तब तक बिजनेस में ग्रो नहीं करेंगे। और जब एक दूसरे के साथ कॉपरेट करने के लिए किस चीज की नीड है, किस चीज की जरूरत है? कोऑर्डिनेशन की। सो लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट स्पेशलाइजेशन। क्या है? स्पेशलाइजेशन। अब स्पेशलाइजेशन समझते हैं क्या होता है। मान लीजिए बच्चों एक बिजनेस में दो लोग काम कर रहे हैं, एक पर्सन है ये और दूसरे पर्सन है ये। इन पर्सन को कितने ईयर का एक्सपीरियंस है? 30 ईयर का एक्सपीरियंस है। और ये जो ये पर्सन है इसे सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस है। कितने ईयर का है? 1 ईयर का। ये पर्सन को है 30 ईयर का, इस पर्सन को 1 ईयर का। तो बच्चों ये होता है एक्सपर्ट। क्या होता है? एक्सपर्ट। और ये होता है न्यू कमर, जो नया नया ऑर्गेनाइजेशन में आता है। तो ये जो एक्सपर्ट सोचता है कि मैं ही हर चीज में स्पेशलाइज हूं, क्या सोचता है? हर चीज में क्या हूं? स्पेशलाइज मैं ही हूं। जो भी डिसीजन है सब मैं ही लूंगा, जो भी डिसीजन है मैं ही लूंगा, जो भी चीज होगी मुझसे पूछ के होगी। बट ये 1 ईयर वाला है,
वो उससे बेटर वर्क कर ले रहा है, ये 30 ईयर की जिसे एक्सपीरियंस है उससे बेटर वर्क कर ले रहा है, या उससे बेटर डिसीजन ले पा रहा है, या उससे बेटर डिग्री है, कोई भी चीज हो सकती है। तो इस केस में क्या आता है, जो 30 ईयर वाला है इसके अंदर जेलसी वाली फीलिंग आ जाती है कि मुझे कोई वर्क करते हुए 30 ईयर्स हो गए और इसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है। तो दोनों के बीच में क्या होते हैं, डिस्टेंस क्रिएट होने लग जाते हैं। तो उस डिस्टेंस को खत्म करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, कोऑर्डिनेशन। तो हमें जरूरत पड़ जाती है इन दोनों के बीच में कोऑपरेशन बैठाने की, तालमेल बैठाने की। समझ में आ गया स्पेशलाइजेशन वर्ड। जो स्पेशलाइज होता है वो सोचता है मैं ही बेस्ट हूं, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें इन दोनों के बीच में भी कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन करना है जिससे हम अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कर सकें, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें। सो स्टूडेंट, यहां पे कंप्लीट होता है हमारा फर्स्ट चैप्टर। थैंक यू सो मच।